स्टूडेंट्स, आज हम सर्वेइंग सब्जेक्ट जिसका कोड C304 है के अंतर्गत कर्व सर्वेइंग टॉपिक पर डिस्कशंस करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि कर्व्स क्या होते हैं, कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या है जो हम कर्व सर्वेइंग में यूज करेंगे और कर्व को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। तो कर्व्स क्या होते हैं? Curves are provided on highways and railways to change the direction of motion in horizontal as well as in vertical planes. जब भी हमको horizontal या vertical plane में कोई direction of motion अगर हमको change करना होता है तो हम क्या provide करते हैं? Curves provide करते हैं। Curves के through हम जो है direction of motion को change करते हैं। दो straights हैं, अगर दो straights के बीच में हमको direction change करनी है, जैसे हम इस direction में देखने हैं, तो हम क्या provide करेंगे? Curve provide करेंगे। तो curves may be horizontal, curves may be vertical। और जब भी हम एक straight line से circular curve provide करेंगे, तो gradually curve को shift करने के लिए हमको transition curves provide करने पड़ते हैं। तो कितनी तरह के कर्व्स हो गए? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ट्रांजिशन कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व्स कौन से होते हैं? जो कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। वर्टिकल कर्व्स वर्टिकल प्लेन्स में डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और ट्रांजिशन कर्व जब हमको स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में ग्रेजुअली जो है कर्व को शिफ्ट करने के लिए, जो है रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ट्रांजिशन कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। अभी हम यहाँ पे जो है सर्कुलर कर्व्स हॉरिजॉन्टल कर्व्स ही पढ़ेंगे और वर्टिकल कर्व्स और ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में हम लेटर ऑन अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स में जो है सर्कुलर कर्व्स भी हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व और पैराबोलिक और एनी अदर शेप, बट हम सिलेबस में जो है सर्कुलर कर्व्स है तो इसलिए अभी हम सर्कुलर कर्व्स के बारे में जानेंगे। सर्कुलर कर्व्स भी सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। तो सिंपल सर्कुलर कर्व कौन से होते हैं? जिसमें आप देखिए एक सिंगल आर्क है जिसकी रेडियस आर है। सिंगल आर्क ऑफ सेम रेडियस इज नोन एज सिंपल सर्कुलर कर्व। कंपाउंड कर्व्स कौन से होते हैं? जिसमें आप दो रेडियस के जो कर्व्स हैं उनको हम जो है ज्वाइन करते हैं, तो इन कर्व्स को हम बोलते हैं कंपाउंड कर्व। जैसे एक आपके पास कर्व रेडियस R1 का है, दूसरा जो कर्व है उसकी रेडियस कितनी है? R2 है। तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो दीज आर नोन एज कंपाउंड कर्व्स। ओके, और इनकी जो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो कॉमन टेंजेंट होती है इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट करते हैं। रिवर्स कर्व कौन से होते हैं? रिवर्स कर्व दे मे बी ऑफ सेम रेडियस और दे मे बी ऑफ डिफरेंट रेडियस, बट इनका जो सेंटर जो होता है वो अपोजिट साइड्स में होता है। जनरली आपने देखा होगा रेलवेज में हम स्लाइटली छोटा सा एक कर्व जो है हमको नेगोशिएट करना होता है, तो उसके लिए हम जनरली रेलवेज में जो है इस कर्व का यूज करते हैं। दिस इज रिवर्स कर्व। अब हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जानेंगे, इम्पोर्टेंट टर्म्स जानेंगे जो फर्दर हमारे कर्व सर्वेइंग में हमें काम में आएंगी। तो सिंपल कर्व है ये, जैसे T1C T2 एक कर्व है और दिस इज टेंजेंशियल टू दीज टू स्ट्रेट्स AV and VB। तो सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जैसे बैक टेंजेंट। ये क्या है? AT1 इज द बैक टेंजेंट, इसको प्रीवियस टेंजेंट भी कहते हैं क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट टेंजेंट जो होती है और बिगनिंग ऑफ कर्व पे होती है। इसी तरह से फॉरवर्ड टेंजेंट फॉलोइंग टू द कर्व, तो इस T2B इज नॉन एज फॉरवर्ड टेंजेंट, इसको सेकेंड टेंजेंट भी कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया कि अगर हम इस टेंजेंट AT1 को अगर आगे ले जाते हैं और BT2 को आगे ले जाते हैं तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी इस पॉइंट V को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कर्व क्या होता है? बिगनिंग ऑफ द कर्व वेयर अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम अ टेंजेंट टू द कर्व। जहाँ पर आपका जो अलाइनमेंट है वो एक टेंजेंट से कर्व में चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे चेंज होता है बिगनिंग ऑफ कर्व को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व। एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? इट इज द एंड ऑफ द कर्व, जहां आपके पास अलाइनमेंट सर्कुलर दिस
कर्व से और स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट में जो है चेंज हो रहा है एंड ऑफ द कर्व, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में ही हमको जो है कर्व सेट आउट करना पड़ता है। ओके, नाउ इंटरसेक्शन एंगल जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है कि दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एक टेंजेंट है ए वी जिसको हमने आगे प्रोड्यूस किया है वी डैश तक, तो दिस वी डैश वी और दिस बैक टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है जिसको हम डेल्टा से जो है डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल। टेंजेंट डिस्टेंस क्या होती है, टी वन वी, जैसे पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या दिस बैक टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट डिस्टेंस। पीसी टू पीआई और पीसी टू पीआई और पीआई टू पीटी के बीच में जो डिस्टेंस है, इनको हम बोलते हैं टेंजेंट डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस ई क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ कर्व सी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस। लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, टी वन सी टी टू, दिस जो लेंथ होती है इस आर्क की, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कर्व। एंड लॉन्ग कोड क्या होती है, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ पी सी टू पी टी, दिस इज नोन एज लॉन्ग कोड। अब है मिड ऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ऑर्डिनेट क्या होता है, लॉन्ग कोड का मिड पॉइंट डी एंड आर्क, ये जो कर्व है इसका जो मिड पॉइंट एम है, इनको जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट और इसको हम डिनोट करते हैं एम से। ओके, नॉर्मल कोड क्या होता है, कोड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशन ऑन अ कर्व, जो डिस्टेंस होती है, जो कोड होती है, जो दो सक्सेसिव स्टेशन के बीच में होती है, रेगुलर स्टेशन, जैसे आर्क होता है 20 मीटर 30 मीटर का जो चेन लेंथ होती है, तो ये जो इनसे जो कोड बनती है वो नॉर्मल कोड होती है। नॉर्मल कोड से अगर कोई शॉर्टर है, लेंथ में अगर शॉर्टर है, तो उसको हम बोलते हैं सब कोड। अब हम जानेंगे कि किसी कर्व को डेजिग्नेट कैसे करते हैं, तो डेजिग्नेशन ऑफ कर्व जो है वो दो तरह से कर सकते हैं, रेडियस के थ्रू एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर के थ्रू। अब डिग्री ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम किस तरह से डेजिग्नेट करते हैं, क्या होती है डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो जो कर्व की जो शार्पनेस है उसको हम एक तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, डिग्री ऑफ कर्वेचर दो तरह से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, आर्क डेफिनेशन के थ्रू एंड कोड डेफिनेशन के थ्रू। आर्क डेफिनेशन जनरली हाईवे प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं एंड कोड डेफिनेशन हम रेलवे प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं। क्या होती है आर्क डेफिनेशन एंड कोड डेफिनेशन, अगर हम FPS सिस्टम में देखें तो अगर 100 फीट का एक जो आर्क है वो सेंट्रल पे कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्वेचर। ओके, और कोड डेफिनेशन के थ्रू हम 100 फीट के आर्क की जगह पे हम 100 फीट का लॉन्ग कोड लेते हैं, और ये जो 100 फीट का जो कोड है ये कितना एंगल जो है फॉर्म कर रहा है सेंट्रल पे, वो होती है आर्क डेफिनेशन के थ्रू डिग्री ऑफ कर्वेचर। और अगर हम SI सिस्टम में बात करें तो हम 20 मीटर या 30 मीटर की चेन लेंथ जैसे हम लेते हैं, तो 20 मीटर 30 मीटर के आर्क से जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है डिग्री ऑफ कर्वेचर, और 20 मीटर और 30 मीटर के कोड से जो एंगल बनता है उसको भी हम डिग्री ऑफ कर्वेचर कहते हैं बाय लॉन्ग डेफिनेशन इन SI सिस्टम। तो ये हमारे पास दो सिस्टम थे डिग्री ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए। ओके, अब हम जानेंगे रिलेशन क्या होता है रेडियस में और डिग्री ऑफ कर्वेचर में। तो हम रिलेशन आर्क डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं और कोड डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं। आर्क डेफिनेशन के थ्रू 100 फीट का जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है, डी, तो 2 पाई आर मींस पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। तो क्या रिलेशन हो गया, 100 इज टू 2 पाई आर इज इक्वल टू डी डिग्री इज टू 360 डिग्री। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5729.578 अपॉन डी फीट। तो इसको अप्रोक्सीमेटली जो हम रेडियस है वो कितने के बराबर हो गया, 5730 बाई डी
फीट का जो है हमारे पास रेडियस मिलता है अगर हमारे पास डी डिग्री ऑफ कर्वेचर है. ओके, इसी तरह से कोर्ड डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, 100 फीट का कोर्ड है तो 50 फीट का ये हमारे पास हाफ कोर्ड हो गया. ये कितना एंगल बना रहा है, डी बाई टू, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट, ये आपके पास मिड पॉइंट है. ओके, तो साइन डी बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 50 अपॉन आर. तो यहाँ से भी आपके पास आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5730 अपॉन डी अप्रोक्सीमेटली, जो ऑलमोस्ट इक्वल है. इसी तरह एसआई सिस्टम में भी हम जो है रिलेशन निकालने के लिए 20 मीटर या 30 मीटर का चेन लेंथ ले सकते हैं. तो 20 मीटर की आर्क या 20 मीटर के कोर्ड से जो है हम रिलेशन निकाल सकते हैं. 20 मीटर की डी डिग्री 20 मीटर से, इसी तरह से 2 पाई आर से 360 डिग्री एंगल बनता है. तो आर की वैल्यू आई 1146 अपॉन डी. इसी तरह से जब हमने कोर्ड को जो है सब डिवाइड कर दिया 10-10 मीटर में, तो जो रिलेशन आया वो आया आर इज इक्वल टू 1146 अपॉन डी. तो ये हमारे पास रिलेशन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रिलेशन क्या होता है रेडियस में और डिग्री ऑफ कर्वेचर में. Thank you.